उसको देखा जाता है। और नंबर जब शुरू होता है तो शुरू होते होते कल भी 114 आते आते समाप्त हो गया टाइम, और आज 113 पर आते आते आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। यही कारण है कि दो दिन से लगातार हमारा जो केस का नंबर काफ़ी पीछे है, जिसके कारण सुनवाई नहीं हो पा रही। लेकिन वो हमारे वरिष्ठतम वकील हैं माननीय श्री टीके शाही जी और मुकेश ठाकुर जी, काफ़ी सजगता के साथ पूरी तैयारी के साथ वो तैयार रहते हैं। जब कभी भी उन्हें मौका मिलेगा तो अपनी बात को बहुत ही गहनता के साथ रखने का काम किया जाएगा। तो भाइयों, जो काम हम लोगों का था, जितने तरह के कागजात, सारी कागजात को हम लोगों ने प्रिंट आउट करके मुकेश ठाकुर जी को सुपुर्द कर दिया है, और उस सारी कागजात को बहुत ही ध्यान से उन चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं, उसमें जो जो पॉइंट आउट करके इस केस को हम कहां पर किस पॉइंट से इस केस में हम बहस करें, ताकि जो जो हमारा जो केस है वो काफ़ी मजबूती के साथ जो न्यायाधीश महोदय के सामने आ सके, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर है, और हम लोग प्रतिदिन कोर टीम के जो सदस्य हैं वो हमेशा उस समय उपस्थित रहते हैं। कल भी राहुल झा, नंद जी और मैं स्वयं था वहाँ, आज भी नंद जी और मैं स्वयं उस समय उपस्थित था, जिस समय 2:15 से लेकर 3 तक। लेकिन चूंकि बहुत से केस थे और 113 नंबर आते आते टाइम आउट कर गया, जिसके कारण बहस नहीं हो पाई, सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगला डेट रोबे जी ने डाला है कि 2 जनवरी को समय शायद बता रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी हम लोगों ने मुकेश ठाकुर जी से बात नहीं की है तो अभी हम क्लियर नहीं बता पाएंगे। लेकिन ग्रुप में चौबे जी ने लिखा है कि 10 जनवरी की अगली सुनवाई होगी। जब तक हमारा केस नंबर पर नहीं आएगा, लिस्ट पर नहीं आएगा, तब तक हमारी केस जो सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो हम लोग इंतजार में हैं कब हमारा नंबर आए और हम अपनी बातों को रखें। तो मुख्य रूप से आज जो केस से संबंधित यही बात है। दूसरी चीज एक और है, एक और इसमें बात है जो बहुत तरह की चर्चा चल रही है, और जो राजस्थान के जो बीएड किए हुए जो लोग हैं, जो उन्होंने केस देखा था, उन लोग भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी जो दायर किया है, और उन्होंने एनसीटी और एमएचआरडी और शिक्षा विभाग, जो भारत सरकार के जो मंत्री हैं, उनसे उन्होंने अनुरोध किया है कि आप इस केस को तरीके से अपना वकील रख करके और इसको देखा जाए। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस की जो रखने का काम वो बहुत ही मजबूती के साथ रखा जा रहा है, और हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे। अगर उस तरह का मामला आएगा तो हम लोग भी वहाँ सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी हम लोगों का चूंकि बिहार में ही बहस होने वाली है, और हमें पूरा यकीन है कि इस केस में जरूर सफलता मिलेगी। कुछ पॉइंट है, मैं यहाँ पर डील नहीं करना चाहूँगा, कुछ पॉइंट है जो राजस्थान के जो बहस हुआ उसमें हमारे बीएड भाइयों ने, या बीएड का जो वकील थे या जो एनसीटी के वकील थे, उस बात को वहाँ नहीं रख पाए, और वो पॉइंट हम लोगों ने खोज लिया और उस पॉइंट को यहाँ पर रखा जाए, और हमें लगता है कि मजबूती के साथ रखा जाएगा, और उस पॉइंट को माननीय मुख्य जो न्यायाधीश महोदय है उसको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मजबूत पॉइंट है, और उस पॉइंट की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। हम अपने दुश्मनों को या हमसे हमारे जो विरोधी हैं उनको मैं इन चीज़ों को खुलू नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पॉइंट पर माननीय मुख्य न्यायाधीश को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो हमें पूरा यकीन है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ हमें सफलता की जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट का मूड होता है, न्यायाधीश महोदय का उस समय की उस दिन की सुनवाई पर निर्भर करता है कि किस तरह की सुनवाई है उस दिन का, उसी आधार पर न्यायाधीश महोदय भी डिसीजन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अभी तो समय हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से, हम लोग के तरफ से जितने तरह के कागजात थे, एक भी कागजात बाकी नहीं रहा, सब कुछ हम लोगों ने दे दिया,
और 2021 में भी नया जो गजट आया उसका भी एक प्रति हम लोगों ने दे दिया जिसमें इस बात की उसमें भी चर्चा है। तो हम लोग बैठे नहीं है, बहुत से हमारे भाई बंधु काफी जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट का मूल होता है न्यायाधीश महोदय का, उस समय की उस दिन की सुनवाई पर निर्भर करता है कि किस तरह की सुनवाई है उस दिन का, उसी आधार पर न्यायाधीश महोदय भी डिसीजन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अभी तो समय हम इंतजार करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से, हम लोग के तरफ से जितने तरह के कागजात थे एक भी कागजात बाकी नहीं रहा, सब कुछ हम लोगों ने दे दिया। और 2021 में भी नया जो गजट आया उसका भी एक प्रति हम लोगों ने दे दिया जिसमें इस बात की उसमें भी चर्चा। तो हम लोग बैठे नहीं है, बहुत से हमारे भाई बंधु काफी घबराए हुए हैं, काफी डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा। हम लोगों का काम है जितने मजबूती के साथ काम था ना वो हम लोग काम कर रहे हैं, आगे न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो न्यायालय पर निर्भर करता है, लेकिन हम अपने स्तर से कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं और पूरी हर चीज को हमारे कोर टीम के जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं बहुत ही बारीकी नजर रखे हुए हैं। और खासतौर से पटना में मैं खुद ही स्वयं ही जाता हूँ, जिस दिन बहस होती है या होने वाली होती है मैं खुद जाता हूँ, तो घबराए नहीं और हमें पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव सकारात्मक पहल आने वाली है। जी अब मैं वैभव किशोर जी के पास में जाना चाहूंगा, क्योंकि आज जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए गए थे पूरी टीम के साथ में, और देखा जाए तो कैमूर जिला का इनको बहुत चिंता है और इस प्रकार से चिंता होनी भी चाहिए कि सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। सभी प्रकार से कैमूर के जिला अध्यक्ष वैभव किशोर जी जो है वो एक्टिव है, अभी हमारे साथ जुड़े थे, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए कट गए हैं, फिर जुड़ेंगे, उनके पास मैं इस प्रश्न को रखूंगा। अभी मैं चंदा कुमारी जी के पास में जाना चाहूंगा कि मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अभी तक तृतीय चक्र की काउंसलिंग जहां पर होनी है उसका लिस्ट जो है अभी तक जारी नहीं किया है, तो आप लोग मधुबनी में क्या जो है वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तृतीय चक्र की काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है। चंदा जी हमारी आवाज आप सुन पा रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आप सुन पा रही हैं? शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जी, तृतीय चरण की काउंसलिंग बहुत महत्वपूर्ण है, 3800 जिला में अभी तक जो है वो जिस नियोजन इकाय में काउंसलिंग होनी है उसका लिस्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है, 6-7 जिला का अभी प्रकाशित किया गया है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथी प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोग बार बार इस बात को याद दिलाते रहते हैं कि जो जिला है, जो जो जिला में काउंसलिंग होनी है, जहां रद्द हुआ है या जहां पर एक बार भी काउंसलिंग नहीं हो पाई है, उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से आप लोग मिलिए और 10 जनवरी तक हर हालत में अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन कराए। पहला ये काम बहुत जरूरी है। बहुत से कुछ जिला में भाई जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन अधिकांश जिला में लोग बिल्कुल निष्क्रिय पड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि अब लोग तो सभी जिला में नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो जिला आप लोग हैं जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी पर प्रेशर बनाइए, और अगर किसी तरह का आपको वहां पर नहीं सुनता तो एक आवेदन वहां के डीएम को जिलाधिकारी के पास आप जाकर के आवेदन दीजिए कि सर 17 जनवरी से काउंसलिंग होने वाली है, अभी तक अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है, तो सर इस पर कुछ ध्यान दिया जाए। तो हो सकता है जिलाधिकारी जो डीएम जो चाहेंगे तो वो अपने डीओ को संज्ञान में लेकर के और उसको काउंसलिंग अंतिम जो मेगा सूची है उसको जारी करने के लिए प्रेशर कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि पहले मेगा सूची तो प्रकाशित हो और इसके लिए जिला स्तर पर हमें
जिला में एक्टिव नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज है कि बहुत से जिला है जहाँ पर अभी जुलाई महीने का जो काउंसलिंग अभी रद्द किया गया, जैसे पूर्णिया का मसला आया हुआ, पूर्णिया में दो तीन प्रखंड के बहुत से नियोजन इकाइयों का जो है वो रद्द कर दिया गया है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो रद्द हुआ है वहाँ पर रोस्टर का पालन नहीं किया गया, ये बात कहा गया है। जो यहाँ के पदाधिकारी जियो साहब का कहना है कि रोस्टर का पालन नहीं किया गया। तो मैं पूर्णिया जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मैं सीधे सीधे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये रोस्टर का पालन करना किसका काम है? रोस्टर का पालन आपके पदाधिकारी को पालन करना है, अभ्यर्थियों को पालन नहीं करना, क्योंकि काउंसलिंग आपके पदाधिकारी करा रहे हैं, अभ्यर्थी तो काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, अभ्यर्थी तो काउंसलिंग में जा रहे हैं, तो पालन कौन कराएगा? तो पालन तो आपके पदाधिकारियों ने नहीं कराया, तो उसकी सजा आप अभ्यर्थियों को क्यों देना चाहते हैं? और जुलाई महीना का काउंसलिंग 6 महीना का बाद आप कैंसिल कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? अगर कोई तरह के कंप्लेन था तो अभी तक क्यों बैठे हुए? और जब ये 17 जनवरी को काउंसलिंग होने वाली है तो अभी आप आनंद फानंद में कह रहे हैं कि रोस्टर का पालन नहीं किया गया, तो रोस्टर का पालन कौन करवाएगा? आपके पदाधिकारी जिम्मेवार है, अभ्यर्थी जिम्मेवार नहीं है। आप अभ्यर्थी को सजा दे दिए, ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? रोस्टर का पालन करवाना ये आपके पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है, ये तो मसला नहीं बनता है। तो उस समय आप कहां गए थे? पूर्णिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी जिस समय काउंसलिंग हो रही थी, आप क्यों नहीं मॉनिटरिंग किए इस बात? और आज कैंसिल कर दिए, ये तो गलत बात है ना। रोस्टर का पालन नहीं होता कौन पालन करेगा भाई? आप पालन करेंगे। इसलिए इस तरह के अंतिम प्रक्रिया में जो कैंसिल या रद्द किया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है। रद्द करने का समय 6 महीना पहले आता था। आपको पता होगा कि रंजीत सर ने कहा था कि 24 घंटा के अंदर में कंप्लेन कीजिए, 30 घंटा 36 घंटा में उसका कंप्लेन की सुनवाई होगी, और उसी समय रद्द करना था जो करना था। तो बताइए किसी का NIC पर चढ़ गया, जिला के जिला के NIC पर चढ़ गया, बिहार सरकार के नहीं, और फिर उसको आप रद्द कर रहे हैं। और बहुत जिला का भी तो NIC पर भी नहीं चढ़ा। अब मधेपुरा के लिए मधेपुरा में भी वहाँ का जुलाई महीने का जो काउंसलिंग हुई है उसके जितने चयनित अभ्यर्थी उनको बिहार सरकार के NIC पर अपलोड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्या मसला है? बहुत जगह जिला शिक्षा पदाधिकारी को कॉल किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि एक साथ ही करेंगे, यानी तीसरे चरण की काउंसलिंग हो जाएगी तो एक ही साथ सबको करेंगे, तो ये तो गलत है ना। एक प्रश्न मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा कि यदि कोई भी जिला शिक्षा पदाधिकारी सही से कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो टीम बनी है जिला स्तरीय उनका तो ये दायित्व तो बनता है ना कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाए और उनको इस बात से अवगत करवाएं कि अभी तक NIC पे क्यों नहीं चली है, अभी तक काउंसलिंग का जो तिथि जारी कर दिया गया है, कौन सी नियोजन इकाई में काउंसलिंग होनी है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जिनका चयन हो गया है इसका मतलब है कि वो काम ही नहीं करना चाह रहे, कि अरे भाई जिसका नहीं हुआ है वो अपने आप करता रहेगा, ये तो सर कहीं से भी ठीक नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है ये सतीश जी, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बहुत से ऐसे जिले हैं जिनका चयन हो गया, वो चुपचाप घर में बैठे हुए, हमको क्या जरूरत पड़ा हुआ, हम क्यों जाएंगे? और यही कारण है कि वो जिला शिक्षा पदाधिकारी से नहीं जाकर मिल रहा है, और उसका खामियाजा आज अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो पूर्णिया में जो भी जिनका काउंसलिंग होने वाला है कम से कम वो लोग भी तो जाए वहां पर, जा करके वहां पर कहें कि क्यों आप कैंसिल कर दिए, ये मसला आज शाम में मुझे कॉल करके बताया गया। आप बताइए कि 17 जनवरी को ये काउंसलिंग होने वाली है और वो वहां पर ऑलरेडी उसका चयन हो चुका था, उसमें सारे अभ्यर्थियों के NIC पर नाम अपलोड है, अब आप आनंद फानंद में 3-4 प्रखंड का पंचायत का आपने कैंसिल कर दिया, तो ये क्या मतलब हुआ? ये तो गलत है ना। अगर कहीं कोई फॉल्ट था तो आप 6 महीना तक क्या कर रहे हैं? और ये मामला कब बिगड़ा,
मैं आपको बता, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय महेंद्र प्रसाद सिंह के यहाँ जो 20 को कंप्लीट किया था जिला से कि सर मेरे जिला में ही होगा, मेरे जिला में और वो अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने डीओ के माध्यम से दिया, डीओ समझेंगे। अब डीओ को जब आप पावर दे दिए तो डीओ तो अपना मनमानी करेंगे ही। ये मासूमी तो पाएंगे प्राथमिक शिक्षा विभाग सचिवालय से होता था कि कौन सा नियोजन इकाई में कैंसिल करना, रद्द करना है, नहीं करना है, ये फैसला जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के द्वारा तय किया जाता था। लेकिन जब जियो को छूट दिया इन्होंने, अब जियो अपने स्तर से मनमानी करना शुरू कर दिया। आप किस आधार पर 6 महीना के बाद आपको रोस्टर दिखाई दे, या 6 महीना पहले आपने रोस्टर नहीं देखा था? और जिस समय काउंसलिंग हो रही थी उस समय आप कहाँ गए? उस समय आपके पास, जब आपके पास अप्रूव करने के लिए जब अंतिम मेगा छुट्टी गया था और जिस समय साइन कर रहे थे, बिना तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के साइन के अप्रूव नहीं होता है कोई भी मेगा छुट्टी, तो उस समय आपके पास गया था तो उस समय कहाँ गए थे? उस समय आपको रोस्टर देखना चाहिए कि हाँ इस रोस्टर पर क्या है, नहीं है। आज 6 महीना के बाद आप रोस्टर खोज रहे हैं, रोस्टर कहाँ गया? रोस्टर के अनुसार काम नहीं हुआ, तो जिम्मेवारी किसकी है? मैं तो सीधे सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई आपकी जिम्मेवारी क्यों नहीं जिम्मेवारी थी भाई? और उसकी खमियाजा आज स्टूडेंट भुगतेगा जिसका चयन हो गया, जिसको उम्मीद है कि हमको 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसको आपने रद्द कर दिया, इसकी खमियाजा स्टूडेंट क्यों भुगतेगा? ये सवाल बनता है ना जी सर जी। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि